क्वेश्चन है पुलिंग, व्हाई इज इट इजियर टू पुल देन पुश। मतलब अगर मेरे को एक भारी ऑब्जेक्ट को खींचना है या डिस्प्लेस करवाना है तो मैं पुल करना पसंद करूंगा एज कम्पेयर टू पुश। पर काफ़ी लोग ऐसा मानते नहीं है कि अगर किसी की गाड़ी रुक जाए या किसी का कोई अलमारी पुश करनी है तो लोग जोर पुश की तरफ लगाते हैं। कौन खींचता है ऐसे? पुल करना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। पुल करने में आपकी फोर्स कम लगेगी, पुश करने में फोर्स आपकी पक्का ज़्यादा लगेगी। इस बात को मैं प्रूव करने वाला हूँ। तो आपने दो केस बनाने हैं और क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है पुलिंग अ लॉन रोलर इज ईजियर दैन टू पुश इट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर गोल डायग्राम ही बनाएं, सर्कल ही बनाएं या रोलर ही बनाएं, आप बॉक्स भी बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये एक आपका ऑब्जेक्ट है और पहले केस में मैं इस बॉडी को क्या कर रहा हूँ? पुल। पुल और पुश का बेसिक डायग्राम के अंदर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं ये बोलता हूँ कि इस बॉडी को मैं पुल कर रहा हूँ तो आप यहाँ खड़े होकर ऐसे पुल करेंगे और पुश के अंदर आप इसके ऊपर ऐसे फैक्टर लगाएंगे। दोनों में फ़र्क है। तो जब आप इसमें इसको पुल करेंगे तो फोर्स की वैल्यू मान लो एफ है और आपने हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स के साथ एंगल क्या बनाया? थीटा। आपकी फोर्स के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा और एक कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा। और वेट कितना है इसका? डब्ल्यू। और नॉर्मल रिएक्शन कितना है? एन। और फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, स्लाइड हो रहा है, ये रोल नहीं हो रहा। तो इसे काइनेटिक है, स्लाइडिंग नहीं बोलना आपने इसमें। रोल, ये रोल नहीं हो रहा कि स्लाइड हो रहा है, ठीक है यहाँ तक? अब ये बताएं इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कैसे निकलेगा? एन प्लस एफ साइन थीटा, दोनों वैक्टर ऊपर हैं, मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू। तो क्या बनेगा? एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल डब्ल्यू, तो एन की वैल्यू क्या आएगी? डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगी? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ पुट कर दो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई। ये केस यहीं पे क्लोज करो, निकाल ली फ्रिक्शन। आपके मेंस के अंदर आप चेक करना, पी वाई क्यू के अंदर, बस ये डायग्राम गिवन है और एन मार्क करने को निकालो नॉर्मल रिएक्शन का, ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है? और फिर लोग कहते हैं कि मेरे को तो मेंस नहीं करना, ठीक है, कुछ है ही नहीं, मेरे को डर लगता है। डर कैसे लगता है? यही तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घुमा घुमा के, ठीक है? तो कर लेना चाहिए। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट है, ये आपके सामने अब एक पुश का डायग्राम है। अब पुश के डायग्राम को ध्यान से देखना है। इधर देखो, ये पुश है एफ। अब डायग्राम में मैंने क्या बताया था इंपॉर्टेंट? यहाँ मत कॉम्पोनेंट ड्रॉ करना, इसको आगे आने देना, इसको आगे आने देना। और ये थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल ही बनाना, जैसे यहाँ पर x के साथ ऊपर एंगल है, यहाँ पर x के साथ नीचे एंगल है। और f के दो कॉम्पोनेंट हैं, एक f cos थीटा, एक f sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन फिर से n है और नीचे वेट w है। तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन क्या है इस केस में? n डैश होगा f sin थीटा प्लस w। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है? नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कम है या फ्रिक्शन की वैल्यू कम है क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, और यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो इसको खींचना मुश्किल है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है तो यहाँ पे ये वाला केस जो है पुल वाला इजी है। इसलिए पुल में फ्रिक्शन कम है, मैथमेटिकली प्रूव है। पुश के अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो इसलिए पुल करना इजी है देन पुश।